कंक्रीट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त उपस्थित है मुंबई के गोरेगांव नेस्को सेंटर में, जहां पर 3 दिन का एग्जीबिशन सेंटर लगाया गया है, जिसमें देश विदेश सहित 150 से ज़्यादा कंपनियां यहां प्रदर्शनी के तौर पर लगाई गई हैं। आज पता है कि हमारा देश विकास कर रहा है, आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे की यंत्रणा और सिस्टम क्या काम कर रहा है उसके बारे में आपको दिखाएंगे। फिलहाल तस्वीरें दिखा देते हैं कि मुंबई गोरेगांव का इलाका, जहां पर 3 दिनों के लिए एग्जीबिशन सेंटर यह लगाया गया है, जहां पर तमाम तरह के अत्याधुनिक सुविधाएं, अत्याधुनिक मशीनरीज, अत्याधुनिक प्रोडक्ट मौजूद हैं, जो प्रदर्शनी के तौर पर लोगों को बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें दिखाएंगे कि तमाम लोग यहाँ इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और तमाम तरह की जानकारियाँ लेते हैं कि आज हमारे देश के विकास में जो मशीनरी है वो कैसे काम कर रहा है। फिलहाल इस वक्त उपस्थित है चेक फॉर्म वर्क, हालांकि ये फॉर्म वर्क जरूर लिखा है लेकिन एक्चुअली फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं ये प्लास्टिक से बने हुए तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट में, विकास में काम आते हैं। लेकिन इसके लिए हम जानकारी लेंगे कि यह किस तरह का हमारे लिए सहयोगी है, हमारे लोगों के लिए काम करता है। मैनी पीपल विल बी अवेयर, मार्केट में फिलहाल प्लाई फॉर्मवर्क है और एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क है, तो दिस इज प्लास्टिक मैन्युफैक्चर फ्रॉम वर्जिन पीपी रेजिन, पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक। इसके लिए जो सपोर्ट आता है दैट वी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, आपका प्रोजेक्ट टीम हमें डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे कि ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा स्लैब है, ये हमारा कॉलम है, दिस आर आवर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद वी प्रोवाइड यू फॉर्मवर्क, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर विल कम टू सोर्स फॉर्मवर्क, हमारे दर्शकों को हिंदी में बताइए कि ये जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है वो कैसे काम करता है, इसकी लाइफ क्या है, इसके बजट्स क्या है, इसके लिए कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आमतौर पर जो बिजनेस होते हैं, विकासक होते हैं, वो ये लेते हैं, लेकिन किसी को बंगलो बनाना है, घर बनाना है, क्या उसके लिए भी है, यूटिलाइज हो सकता है, तो उसके लिए यूटिलाइज हो सकता है, बट उसके लिए आपको आपके डिज़ाइन हमें सबमिट करने पड़ेंगे। हाँ, आपके डिज़ाइन के बेसिस पे, चलो आपकी इतनी वॉल है, आपकी 40 फीट की वॉल है, या आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, फाउंडेशन से लेके स्लैब तक, कॉलम, स्लैब, बीम, सारा जितना भी आपका रिक्वायरमेंट्स है ना, ये समझो ये ज़्यादा स्टैंडर्ड साइजेस, ये स्टैंडर्ड साइजेस अपन जोड़ जोड़ के यू कनेक्ट लाइक दिस, ये कनेक्ट हो गया, ये निकालने के लिए भी आप सेव कर दीजिए, निकल गया, या जॉइंट कर करके पूरा वॉल बना सकते हो सेम पैनल्स को आप स्लैब के लिए। दूसरा सवाल आता है कि इसकी लाइफ क्या है, आज लोग प्लाईवुड यूज करते थे लेकिन उसकी जगह जब इसको यूज करेंगे उसकी लाइफ क्या है, क्या उसके पैसे वसूल होंगे? प्लाईवुड आप 20-30 टाइम्स यूज करोगे, डिटोरिएट हो जाएगा, आपको फेंकना पड़ेगा और कोई यूज नहीं कर सकता प्लाईवुड। ये आप यूज करिए 200 टाइम्स से ज्यादा भी आपको सेम क्लीन फिनिश आएगा, जो एल्यूमिनियम में आपको फिनिश आता है वही इसमें भी आएगा। अब प्रोडक्ट को ड्रिल करो, हैमर करो, कीला ठोको, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आज हम वैल्यू की बात कर लेते हैं, वैल्यू के तौर पे अगर प्लाईवुड की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, क्या कंपेटेबली ये सस्ता है, अच्छा है? प्राइस से आप कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, तो इट विल बी 2.5 टाइम्स। मतलब ये कहा जाए कि प्रोडक्ट की लाइफ है इसलिए इसकी कास्ट भी ज़्यादा है। यस, प्रोडक्ट की लाइफ प्लस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, एक पैनल आपको 10-20 ईयर्स तक चलेगा। दूसरा सवाल खड़ा होता है, पिलर के खड़े करने के लिए कितनी प्राइस की जरूरत होती है, क्या उतने ये जो फ्रेम आप दे रहे हैं उतने में हो जाएगा या उससे ज़्यादा टाइम वर्क की बात कर सकते हैं, टाइम उसमें ज़्यादा लगता है या इसमें लगता है? इसमें कम
कम टाइम लगता है सर, क्योंकि इंस्टॉलेशन और जो डिसमेंटल का प्रोसेस होता है वो इजी है. अब कीला निकाल लो, ये गिर जाएगा, फ्री हो गया. आपको ये हैमर करने का ज़रूरत नहीं है, आपको ये खींच खींच के निकालने का ज़रूरत नहीं है. लेबर फ्रेंडली है, लेबर इस पर चढ़ेगा, लेबर इसको फेंकेगा, कोई इशू नहीं है. डेंट नहीं आएगा, स्क्रैच नहीं आएगा, कोई स्क्रैच आ भी गया समझो, ऐसा जिसने हैमर उल्टा घुमा दिया, स्क्रैच विल नॉट अफेक्ट द फिनिश ऑफ योर कॉन्क्रीट. ठीक है, वो अफेक्ट नहीं रहेगा. बिल्डिंग के अलावा और कहाँ कहाँ इसका उपयोग हम लाइक कर सकते हैं? इंफ्रा में यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, रेलवेज है, देन ग्राउंड के पेरीमीटर्स है, जो पेरीमीटर्स की सर्कुलर वॉल होती है वो कवर कर सकते हो आप उसके लिए. आप इसका यूज़ कर सकते हो हाई राइज बिल्डिंग्स में, STPs में यूज़ करते हैं, अंडर वाटर मलेशिया में वो लोग अंडर वाटर यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि दिस इज नॉट मेटल. इंडिया के एटमोसफियर के लिए, इंडियन कल्चर के लिए क्या है, क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री होता है. हाई ग्रेड कंक्रीट मैक्स टू मैक्स 80 टू 90 डिग्री जाएगा, तो डीमोल्डिंग का कोई चांसेस नहीं है. एक सवाल खड़ा होता है कि ये हम जब यूज़ करते हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में आता है ये हमारा टाइम बचाएगा, हमारा पैसा बचाएगा, हमें क्वालिटी देगा, लेकिन उसके पीछे की बात यह है कि हमें मजबूती के तौर पर कितना देगा. तो ये सेम आपको मतलब जब हम आपको फॉर्मवर्क देते हैं, जब हम आपको शटरिंग देते हैं, तब हम ऐसा सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे जो कंक्रीट पोर करते ही डूल जाएगा. ओके, ठीक है, वी विल गिव यू होल सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. आप हमको ड्राइंग्स दे दीजिए, हम आपको फॉर्मवर्क देंगे, हम आपको देंगे कि कितना शटरिंग रिक्वायर्ड है. ओके, कौन सा एंगल में शटरिंग रिक्वायर्ड है जिससे आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहे, जिससे हमारे फॉर्मवर्क डिफॉर्म ना हो, जिससे आप कंक्रीट पोर करो तो बल्जिंग का कोई इशू नहीं. बिल्कुल बल्जिंग का कोई इशू ना हो. सबसे बड़ी सवाल, तो फॉर्म ऑफ नाम दिया गया है, उस नाम के तहत ये लगातार काम करता है. एक तस्वीर दिखा देंगे लोग दर्शकों को, ज़्यादा समझ में आ जाएगी. इस तरह की अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं या इस तरह के पिलर खड़ा करना चाहते हैं, तो इसका जो वर्थ है, इसका जो काम है, इस तरह से काम में आ सकता है. हालांकि जैसा कि मैडम ने बताया कि महंगा जरूर होगा, लेकिन ये बेहतरीन क्वालिटी के साथ तमाम चीज़ें जो है आपको सिर्फ कंक्रीट इंडिया के आयोजक रजनीश खट्टर जी हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि सबसे पहले इतने बड़े एग्जीबिशन का जो आयोजन आपने किया है, इसके पीछे की मंशा क्या है और कितने लंबे समय से इसकी तैयारी आपने की. देखिए, मंशा इतने बड़े इवेंट की एक ही रहती है कि हम इंडस्ट्री को एक साथ एक छत के नीचे लेके आए, क्योंकि पीछे कोविड जब हुआ है 1.5-2 साल, कोविड ने पूरे भारत को, भारत का पूरी दुनिया को 2-3 साल पीछे कर दिया, और जो वो 2 साल को वापस रिकवर होने के अंदर बहुत लंबा समय लगता है. तो हमें लगा कि हमने एक टैगलाइन बनाई है, लेट्स रीकनेक्ट टू रिबाउंड. उसका मतलब ये है कि हम लोग फिर से एक साथ जुड़ें और सेक्टर को आगे लेके बढ़ें, क्योंकि भारत इस समय जिस स्टेज पे पहुंचा हुआ है और हमें जो $5 trillion की इकॉनमी पहुंचना है, वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हो नहीं सकती. और मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सबसे बड़ी एक इंजन ऑफ ग्रोथ से हम बोलते हैं, वो कंक्रीट सेक्टर है. क्योंकि आप कोई भी एक्सपेंशन की बात करें, हम लोग पोर्ट्स की बात करते हैं, हाईवेज की बात करते हैं, रेलवे लाइंस की बात करते हैं, या इवन एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है. और अगर हमें इस सेक्टर को आगे लेके जाना है, तो मेरे ख्याल से कंक्रीट सारा ये एक्सपेंशन जो है, इट रेस्ट ऑन द कंक्रीट. तो हमारी एक बहुत ही अच्छी, हमने टैगलाइन भी इस इवेंट की बनाई है, कनेक्टिंग इंडिया बाय कंक्रीट, अ जर्नी टुवर्ड्स नेट जीरो. क्योंकि मोदी जी बात कर रहे हैं कि 2070 में भारत एक नेट जीरो कंट्री होकर बनेगा, उसके लिए हर सेक्टर को कंट्रीब्यूट करना है. और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सीमेंट और कंक्रीट इंडस्ट्री एक ऐसी है कि जो 24/7 प्लांट्स चलते हैं, बहुत एमिशंस होते हैं उनके, तो इनके ऊपर बहुत एक बड़ी जिम्मेवारी है कि ये उस नेट जीरो की तरफ कदम बढ़ाएं. और मेरे ख्याल से जिस तरह से हमारी बड़ी सीमेंट कंपनी ने स्टेप्स उठाए हैं, अपने एमिशंस कम किए हैं, तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रहा है. और भारत को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने के लिए कंक्रीट सेक्टर का होना बहुत आवश्यक है. और मेरे ख्याल से इस इवेंट की जो आपने पूछा कि प्लानिंग कब से चल रही है, प्लानिंग इसकी देखिए पूरा एक साल से हम लोग मेहनत करते हैं इन 3 दिनों के लिए. और जब ये 3 दिन अच्छे जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि हम एग्जीक्यूटिव को लेके आए हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज इंडस्ट्री को देना होता है कि ऐसा क्या है कि विजिटर्स आपके शो में आए. तो वो जो एक USP है शोज की, वो हमें सोचनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है. और जब हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि कॉन्फ्रेंस का एजेंडा सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस होने के लिए नहीं होता, हर सेशन जो है उसके एक टेक अवेज होते हैं कि अगर ये सेशन नहीं होगा. हमारे देश में एग्जीबिशंस का वैसे तो हमेशा ही बहुत बड़ा हाथ रहता है कि देश की इकॉनमी को बढ़ाने के लिए. और ये जो खासकर अगर हम विशेष वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट की बात करें,
जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, आप कोई भी बजट आप देखते हैं तो उसके अंदर हमेशा एडिशनल बजटरी एलोकेशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि एक बॉब मैकेंसी, जो मैकेंसी एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी है, बॉब स्टर्नफेल्ड उनके ग्लोबल CEO हैं, उन्होंने पीछे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ डेकेड ही भारत का नहीं है, ये पूरी सेंचुरी भारत की है। जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट वर्ल्ड के नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन मैकेंसी बोलता है तो इसका मतलब उसके उनके दावों के अंदर बहुत बड़ा दम है, और उसी की तरफ हमारा ये कदम है कि भारत जिस स्पीड से इकॉनमी की तरफ भारत को बढ़ना है और सब सेक्टर्स को आगे बढ़ना है तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी लाइफ लाइन ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का एक इंजन है ग्रोथ का, आगे बढ़ने का। तो बहुत क्रिटिकल है उस ऐसे माहौल के अंदर कि हम एक इस तरह का शो खड़ा करें जिसमें सबके लिए बहुत कुछ हो, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स नहीं, सिर्फ बायर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हर इंस्टीट्यूट का, हर एक जो स्टेक होल्डर उसका अपने एक रोल है। इस दिन के अंदर जो अभी तक मैं विजिटर्स की बात करूँ तो मेरे पास जो ऑफिशियल फिगर्स आई हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारा 2019 का लास्ट शो था उसको हमने इन दो दिनों के अंदर पार कर लिया है, और कल का दिन जो रहेगा वो बोनस रहेगा। तो ये सिर्फ यही शो नहीं करता कि हमने कितना बड़ा शो खड़ा किया है, ये भी शो करता है कि इंडस्ट्री जो विजिटर्स कम्युनिटी है उनको कितना इंटरेस्ट है, उनको कितना एक्साइटमेंट है इस शो के बारे में, इस सेक्टर के बारे में, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए सॉल्यूशंस सामने आए हैं और हर कोई उस सॉल्यूशंस को, टेक्नोलॉजी को देखना चाहता है और उसको अडॉप्ट करना चाहता है, क्योंकि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक इनोवेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। ये भारत को इस करंट लेवल से अगले लेवल तक जाने के अंदर बहुत सहायक होता है। बिल्कुल सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर भारत को विकास से जोड़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भुला नहीं सकते, लिहाजा जिस तरह से कड़ी मेहनत के साथ दो दिनों का यह एग्जीबिशन सफल गया है, हालांकि उन्होंने कहा कि 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमने पूरा कंप्लीट किया है, आने वाले समय में यानी कि एक दिन शेष हमारे पास है, उन दिनों में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से एग्जीबिशन में लोग तमाम यहाँ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, हमारे देश के विकास के बारे में जिस तरह से जानकारी ले रहे हैं, वो सबसे अहम है और ये इनकी मेहनत है। कैमरा पर्सन के साथ